दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों नारी का पूरा जीवन ही रहस्यमयी होता है। 80% से ज़्यादा लड़कियों के जीवन में काफ़ी रहस्य होते हैं जो लड़कों और पुरुषों को बहुत पसंद होते हैं। खैर कुछ ऐसे रहस्य भी होते हैं जिन्हें वे किसी से नहीं बताती, लेकिन उनके पार्टनर उनके बारे में जानने का हर संभव प्रयास अवश्य करते हैं। परंतु कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिन्हें लड़कियां करना तो चाहती हैं लेकिन अपने पार्टनर से किसी कारण या किसी सोच बस नहीं कह पाती। अक्सर लड़की की सोच होती है कि प्यार में एक लड़का ही पहले कदम बढ़ाए। जब लड़कियां अपनी ओर से प्यार की पहल करती हैं तो लड़कों को बहुत अच्छा फील होता है। चलो अब अपने मेन टॉपिक पर फोकस करते हैं। दोस्तों वीडियो में जानकारी पाकर आप सोच विचार करने लगें उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको प्रतिदिन अच्छी जानकारियों वाली वीडियो बिना किसी रुकावट के आसानी से प्राप्त होती रहे। अक्सर लड़के चाहते हैं कि प्यार की पहल लड़कियों की तरफ से होनी चाहिए क्योंकि लड़के भी शर्मीले और भय महसूस करते हैं। उनकी भी सोच होती है कि लड़की से अपने प्यार का इजहार करने पर उसका रिएक्शन कैसा होगा, वह क्या करेगी, कहीं कोई बखेड़ा खड़ा तो नहीं हो जाएगा। यह डर लड़कों को भी हमेशा बना रहता है। यदि कोई लड़की वास्तव में किसी लड़के को प्रपोज कर देती है तो लड़कों को जैसे सपनों का संसार ही मिल जाता है। किंतु ज़्यादातर लड़कियां इतनी होशियार होती हैं कि वे लड़के को उकसाकर ही उसे प्रपोज करने पर मजबूर कर देती हैं। किंतु ज़्यादातर लड़के लड़कियों के इस रहस्य को नहीं समझ पाते। जहाँ एक और लड़के एक लड़की को सीधे खड़े होकर या उसके सामने खड़े होकर देखना पसंद करते हैं, वहीं लड़कियां ज़्यादा छिप छिप कर देखना पसंद करती हैं जो लड़का उन्हें पसंद आ गया होता है। लड़कियां भी लड़कों के साथ उतना ही घूमना पसंद करती हैं, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जितना कि लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमना पसंद करते हैं। परंतु ये बात वे कभी कहती नहीं, बस इंतजार करती हैं कि कोई लड़का ये बात कहे और मैं नाना करते हुए की बात को स्वीकार कर लूंगी और उसके ऊपर एहसान चढ़ा दूंगी। एक लड़की के सजने समरने में हमेशा कमी बनी रहती है। वह अपने अनुसार कभी सज समर नहीं पाती, यानी कि चाहे वे कितनी ही अच्छी क्यों न लग रही हों, चाहे कितनी ही क्यों न सज समर गई हों, किंतु उनका सजने संवरने से कभी मन नहीं भरता। जिस तरह से लड़कों का मन लड़कियों से बात करने का होता है, उसी तरह से लड़कियां भी लड़कों से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। जिस तरह की जब चार लड़के एक साथ होते हैं और जैसी बातें करते हैं वैसी बातें लड़कियां भी करना पसंद करती हैं। लड़के अगर हुचू कुचू फिल्में देखना पसंद करते हैं तो लड़कियां इसमें भी पीछे नहीं हैं, वे भी ऐसी पिक्चर या मूवी अवश्य देखती हैं या इच्छा रखती हैं। एक लड़की कॉकरोच को देखकर डर जाती है किंतु दमदार बॉयफ्रेंड या पति पाकर वह भी किसी शेरनी से कम नहीं होती। कई बार तो होशियार लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के घर मैसेज कर देती हैं कि तुम्हारा लड़का किसी से प्यार करता है, यानी कि किसी लड़की से। वे ऐसा तब करती हैं जब वे कहती हैं कि तुम अपने घर पर बता दो कि हम किसी से शादी करना चाहते हैं, हमें कोई लड़की पसंद है। लेकिन लड़का डर के कारण नहीं बता पाता तो लड़कियां ऐसा भी कदम उठा जाती हैं। हर एक लड़के की इच्छा होती है कि उसकी गर्लफ्रेंड उनके बालों से खेले, उन्हें जी भर प्यार करे, किंतु इससे ज़्यादा इन कामों की इच्छा एक लड़की की होती है। वह अपने बॉयफ्रेंड से ऐसी इच्छा रखती हैं किंतु कभी बताती नहीं या कह नहीं पाती। डीप प्यार करने की जितनी इच्छा लड़कों की होती है उससे कहीं ज़्यादा इच्छा लड़कियां रखती हैं किंतु कह नहीं पाती। अगर उनका बॉयफ्रेंड कह भी देता है तो वे हमेशा ना ही करती हैं, किंतु जब बॉयफ्रेंड फोर्स करना बंद कर देता है तो उन्हें बुरा लगता है। वे खुद चाहती हैं कि हमारा बॉयफ्रेंड हमारे साथ ऐसा अवश्य करे,
क्योंकि उनकी खुद की इच्छा होती है, लेकिन ये बातें कभी जाहिर नहीं होने देती, इसी का नाम नारी है। अक्सर लड़कियां जिससे प्यार करती हैं उसी से शादी करने की इच्छा रखती हैं, किंतु जब बाद में कंपेयर करती हैं तो जो वे जिस लड़के से चाहती थी वह नहीं मिल पाता या कंपेयर में वह पीछे रह जाता है तो वे उसे छोड़ भी देती हैं। लड़कियों में त्याग भावना भी लड़कों से बहुत ज़्यादा होती है। जिस लड़की को लड़के छोड़ने में असफल हो जाते हैं उसे भूल नहीं पाते, उसी लड़के को लड़कियां जल्दी भूल जाती हैं और आसानी से छोड़ भी सकती हैं। प्यार के दर्द से लड़कियां जल्दी बाहर भी निकल जाती हैं, जबकि लड़के वही दर्द सीने में लिए इधर उधर काफ़ी समय तक भटकते रहते हैं। डीप प्यार करते समय जैसे लड़के अपनी इच्छा से बहुत सारे तरीके अजमाना चाहते हैं, उसी तरह से लड़कियां भी अपनी इच्छाएं रखती हैं किंतु कह नहीं पाती। इसलिए अगर आप दोनों ऐसा करते हैं तो उसकी पसंद का कुछ अवश्य करें।